गदर 2 के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि क्या अभी पोजीशन है गदर 2 की। मैं हो सके तो 9:30 का एडवांस बुकिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे गदर 2 का। 3 आवर पहले की रिपोर्ट है जिसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि 60 लाख के ऊपर गदर 2 का एडवांस बुकिंग हो चुका है। 3 आवर्स पहले की रिपोर्ट बोल रहा हूँ, 9:30 का। और OMG 2 का जो 9:30 का एडवांस बुकिंग है वो 20 लाख के ऊपर हो चुका है। सो गदर 2 आज भी आगे है। और ये बात याद रखो कि सैटरडे होगा 9:30 यानी कि, और एडवांस बुकिंग बहुत बढ़ने वाला है। बाय द वे थैंक यू बोलना चाहिए OMG 2 वालों को, सनी देओल को, कि गदर 2 की वजह से वो हाइप OMG 2 की भी बढ़ी, वरना कोई पूछता भी नहीं ऑनेस्टली। क्योंकि जो 1 महीना पहले मुझे याद है लोग ट्रोल कर रहे थे OMG 2 क्यों लाई है, उस टाइम पे मैं बोला था कि हाइप गदर की जो है वो बहुत काम आएगी OMG 2 के। अब कुछ अक्षय कुमार फैंस को मिर्ची लगेगी लेकिन फैक्ट फैक्ट है। क्योंकि मुझे याद है सूर्यवंशी के बाद ये लोग ट्रोल कर रहे थे बाकी एक्टर्स को कि 50% के साथ ये हुआ, ऑक्यूपेंसी के साथ हमने इतना कमाया उतना कमाया, और उसका जो परिणाम था वो बाकी के 5 फिल्में फ्लॉप हुई थी। और बाकी के जो फैंस थे जो अक्षय कुमार को सपोर्ट करते थे बाकी के एक्टर्स के, उन्होंने भी डायरेक्ट टारगेट करना शुरू किया था। तो अपने फैंस की वजह से भी बहुत बार एक्टर को नीचा दिखना पड़ता है, नीचा झुकना पड़ता है बेवजह वो फैंस दूसरों से पंगा लेके। अब कुछ तो महारथी ऐसे जो बोल रहे कि गदर 2 OMG 2 की वजह से चल रही है, उनको इतना भी अकल नहीं है कि भाई अगर गदर 2 है इसीलिए OMG 2 के कुछ कलेक्शन हुआ है, वरना क्लैश में राम सेतु का हाल क्या हुआ था। भले राम सेतु थैंक गॉड से जीत गई थी लेकिन हुआ क्या था, रक्षाबंधन का हाल क्या हुआ था, पृथ्वीराज का क्या हुआ था, बच्चन पांडे क्या नाम था उस मूवी का, वो तो सोलो रिलीज थी ना, क्या हुआ था। वैसा नहीं रहता है, सेल्फी भी सोलो रिलीज थी। बात यह है कि एटीट्यूड ऑफ फैंस बहुत मैटर करता है। अगर तुम वैसा ही करते रहोगे तो आगे चल के जो कलेक्शन अभी अच्छा चल रहा है, शायद ये भी हो कि गदर के भी फैंस OMG 2 को बाद में जाने वाले होंगे, लेकिन इसी टाइप के एटीट्यूड की वजह से अक्षय कुमार के फिल्मों के कलेक्शन कम आते। बहुत ही घटिया एटीट्यूड है सीरियसली। मतलब मैं जितने भी कमेंट देख रहा था, इमैच्योरिटी की सारी सीमाएं पार कर ली है इन लोगों ने। मतलब मैं तो शाहरुख के फैंस को वैसा मानता था, ये तो उससे भी गए गुजरे निकले भाई बहुत से। और इस वजह से ना मूवीज़ पे असर पड़ता है। क्या आप ये चाहते हो कि OMG के बाद वापस अक्षय कुमार के पास ऐसा कुछ हो जाए? पहली बात तो OMG को जो पब्लिक गई है वो कोई अक्षय कुमार के फैंस नहीं गए है सिर्फ, वो बाकी की भी पब्लिक गई है। तो क्या बाकी, क्योंकि वो सोशल टॉपिक था, क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षय कुमार की अगली मूवी आएगी जो सोशल टॉपिक नहीं होगा, ये जो बाकी की पब्लिक गई है वो जाएगी? नहीं जाएगी, और इस एटीट्यूड की वजह से तो बिल्कुल नहीं जाएगी। वो आदमी खुद अक्षय कुमार वो क्रेडिट देता है गदर को, लेकिन उसके फैंस इतने ईगोइस्टिक हैं, शर्म की बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे का सोच के बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मैं सूर्यवंशी के टाइम पे बोला था कि मत उड़ो मेरे भाई बेवजह का, बहुत असर होता है, हुआ था। सो बता के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। बाकी जो भी करना है करो भाई, तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर OMG 2, अरे भाई अगर ये सर्टिफिकेट और सोलो रिलीज़ होती ना भाई OMG 2, ये सर्टिफिकेट नहीं भी होता ना तो वो हाइप क्रिएट नहीं होती जो गदर की वजह से हुआ है। मेरे सामने कल 7 लोगों को मिला था, मैं संडे के नहीं इंडिपेंडेंस डे के दिन, उनको टिकट नहीं मिली थी गदर की, इसलिए OMG 2 को, उसमें से 4 लोग गए थे, 3 लोग गए बोले थे नहीं भाई जाना नहीं है, फिर हम कल आके टिकट लेंगे। 4 लोगों को फ़ायदा हुआ था OMG 2 को। एक कट टू कट अगर लॉजिक, ये तो मैंने एक थिएटर का बोला, क्या पता इंडिपेंडेंस डे को बहुत से थिएटर को ये फ़ायदा हुआ होगा। रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो अक्षय के फैंस, क्योंकि बहुत सी मूवीज़ उसकी आने वाली है अभी से ही। बेवजह का उसको इतना ये मत करो कि भाई उसके आने वाली मूवीज़ पे असर पड़ेगा। और वैसे ना खान गैंग वो तो है ही आपके एक्टर की मूवी डुबाने के लिए, तो ये आपको सोचना है। एक तो भाई बाद में वो वेलकम टू द जंगल का क्लैश होने वाला है सलमान की फिल्म के साथ, वो तो पहले से अक्षय को डुबाने का कोशिश करेंगे पहले से ही, ताकि होगा क्या कि अगले जब तक वेलकम टू द जंगल आए तब तक अक्षय का नाम ही इतना ना रहे कि उनकी मूवी टक्कर दे पाए। सोचना इस बारे में, जो फैक्ट है ना वो कभी छू ये नहीं होती है मेरे भाई। गदर 2 से भाग लिया जवान,
और तुम बोल रहे हो कि OMG2। अरे प्लीज़ यार, थोड़ा सेंसिबल रहा करो, कुछ होने नहीं वाला इस चीज़ों से। उस आदमी को, जिस आदमी ने इतना कुछ किया है, अपना एम्पायर इतना 20-30 साल से राज कर रहा है इंडस्ट्री में, उस पे असर होता है उसकी फिल्मों पे। राम सेतु में फ्लॉप जाने जैसा क्या था? कुछ नहीं था। रक्षाबंधन में क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन गई बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ फैंस, ना कि बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ अदर एक्टर्स। आप जिस तरीके से बिहेव करते हो, जो करोगे ना वही भरोगे। गदर 2 इज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, OMG2 सुपर हिट हो चुकी है। अगर इसको ब्लॉकबस्टर करना है तो और 60-70 करोड़ इसने अगर करवा लिए कैसे भी करके, तो ये हो जाएगा। वाह, इसे प्रॉब्लम है थोड़ा, पर फिर भी सुपर हिट का टैग मिलना एक अचीवमेंट है। 50 करोड़ ही इसका बजट है बाय द वे, कोई ज़्यादा नहीं है। गदर 2 का बजट है 60 करोड़। रिजल्ट आपके सामने, जीता कौन हारा कौन की बात ही नहीं है। जिस मूवी को जवान तक भाग लिया, सैलार तक उसके आसपास नहीं है, उस मूवी से आप OMG2 को कंपेयर करो ही मत। देयर इज सीरियसली नो कंपैरिजन एट ऑल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड अगर कंपेयर करने है तो देख लो। क्या बोल रहे थे, ए सर्टिफिकेट ना, चलो यूए सर्टिफिकेट, दुगना कलेक्शन ऐड कर लो। चलो कितना हुआ, 80 हुआ है ना, 160 करोड़। चलो चलो थ्री तीन गुना करना है ना कलेक्शन, ऐड कर लो 240 करोड़। गदर कहाँ पे अभी? 303 करोड़ पे। अगर मुझे इलॉजिकल बात करनी, मैं करने लगूंगा ना, आप दिखना बंद हो जाओगे। फैक्ट के साथ रहा करो। ऐसा भी बिहेव करोगे ना कि अपने ही फैंस, अपने ही एक्टर को, प्लीज़ ऐसा मत करो कि बाकी के एक्टर लोग के अगर फैन उस आदमी की मूवी देखना चाहते भी होंगे तो नहीं देखेंगे, ऐसा हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 9 थर्टी का एडवांस बुकिंग बता दिया है, 3 आवर पहले का है।